हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, मतलब खुश हैं, सपनों की तरफ, अपनों की तरफ भी उतना ही झुकाव है आपका। तो यार आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, मतलब अपने बालों को लेके ना हर लड़की हर लड़का पागल होता है। बहुत खूबसूरत बाल चाहिए, सिल्की हेयर चाहिए, बेचारे जिनके सिल्की हैं मेरी तरह उनको कर्ली हेयर चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन आज की जो रेमेडी है वो है हम अपने बालों को घर पे सिल्की कैसे बना सकते हैं, जिनकी चोटी इतनी सी है उसको इतना मोटा कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और बालों को बिल्कुल स्मूथ एंड ग्लोसी कैसे बना सकते हैं। तो टॉपिक सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको और सब मतलब वेट कर रहे होंगे, मैम जल्दी से रेमेडी बता दो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें बहुत अच्छी रेमेडी चाहिए। करते हैं रेमेडी को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट बता दूं कि इस वीडियो में जो है, जो मैं रेमेडी बताऊंगी उसमें तीन इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं और आज मैं बनाऊंगी एक तरह से आपका कंडीशनर, कि हम घर पे कंडीशनर कैसे बनाएं जो आपके बालों को इतना सिल्की कर दे। आपने तरह तरह के कंडीशनर देखे हैं, आप तो यार सनसिल्क, ट्रेसमी, गार्नियर, लॉरियल, लेकिन आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए यार, थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिलती है। सबसे पहले हमें लेना है तीनों चीजें, आप इकट्ठी कर लीजिए, वो है आपका आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, विटामिन ई यानी कि इवियॉन के कैप्सूल, और तीसरा आपका इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलोवेरा जेल। किसी भी कलर में ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट, ग्रीन है ग्रीन, किसी भी ब्रांड का, पतंजलि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आप अपने पास रख लीजिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेनिफिट बताऊंगी कि इस मास्क का जो आपको इस्तेमाल है वो आपको नहाने से पहले करना है, यानी कि जब आप हेड वॉश करेंगे उससे पहले वीक में 3 बार हेड वॉश करना मैंडेटरी है अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। एक बार अप्लाई करने के बाद ही आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखेगा। तो यार क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, मॉनसून आ गया, तो सबके हेयर फॉल होते हैं, मेरे भी हो रहे हैं, तो मैं खुद भी ये चीज स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग भी करिए, इसलिए मैं लेके आई हूँ कि दोनों इस बार साथ साथ स्टार्ट करेंगे बहुत अमेजिंग रिजल्ट के लिए। तो यार ये बहुत ही इफेक्टिव है, ऑलरेडी हर मॉनसून में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मतलब लास्ट ईयर भी किया था, उससे लास्ट ईयर भी किया था, बहुत अमेजिंग वर्क करता है। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपका रबर बैंड, मेरे हेयर यार बहुत ज्यादा सिल्की है, आपका रबर बैंड ऐसे निकलेगा, जिनके नहीं है उन पे भी बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, एक कटोरी में लेना है आलमंड ऑयल। अब कितना लेना है वो आपको खुद से गेस करना है, क्योंकि हर किसी के हेयर्स की लेंथ वेरी करती है, किसी के इतने लंबे हैं तो उसको पता है कि मेरे को इतना कम से कम कंडीशनर चाहिए, जिसके इतने हैं उसको पता है कि इतना चाहिए, तो वो आपको तय करना है। उसमें ऐड करना है 1 कैप्सूल विटामिन ई यानी कि इवियॉन का जेल, और उसमें ऐड करना है कम से कम 2 चम्मच एलोवेरा, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और जो इक्वल प्रपोर्शन अगर मैं बताऊं तो 2 चम्मच आलमंड ऑयल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 कैप्सूल विटामिन ए का, अच्छे से मिक्स करके इसका थिक पेस्ट बनाना है। इसको जब आप हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे और कुछ देर बाद देखेंगे ये एक व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा कंडीशनर बन गया होगा। बस फिर क्या है, फिर आप अपने बालों को खोल लीजिए और इस तरह से पूरे सर पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करते करते आपको लगेगा कि जो आपके बाल हैं वो थिक से होने लग गए, यानी कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी, कड़क हो जाएंगे। कॉम नहीं करना है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, बालों का जस्ट आप जूड़ा बनाइए, रोल करिए, एक क्लचर लगाइए और अपने हेयर को यहाँ पे टक कर लीजिए 30 to 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स इसको आपको टक करके रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना हेड वॉश कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा, क्या मैम उसके बाद शैम्पू यूज करना है? जी हाँ बिल्कुल करना है, क्योंकि ऑयल रहेगा स्टिकी रहेगा, तो आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं जो आपके पास है, ठीक है। अच्छा बहुत से लोगों का ना, मैं एक बड़ा फनी सी चीज बोलती हूँ वीडियो के इसमें, कि बहुत से लोग जैसे मतलब बोलते हैं कि मैम ये टर्म नहीं, ये होती है ये नहीं, या मतलब समझ आने से मतलब है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब चाहे देसी स्टाइल में आए या बहुत ही ज्यादा मॉडर्न स्टाइल में आए, कैसे भी आपको समझ आ रही है, मेरा मोटिव आप तक वो रेमेडीज पहुंचाना है जो वाकई में बहुत इफेक्टिव है और हम घर घर बता पाए, और आपका काम समझना है बहुत ही देसी शब्दों में। बादाम का तेल लेना है भाई, एलोवेरा जेल लेना है, विटामिन ई का कैप्सूल लेना है,
मिक्स करो बढ़िया से, पेस्ट बनाओ अपने बालों पे लगाओ, बढ़िया से हो गया। और यार आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करना है, बादाम रोगन नहीं, उस रोगन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको हम ईटेबल उसमें भी यूज करते हैं, आलमंड ऑयल को हम यूज नहीं करते हैं, जो हेयर पे यूज करते हैं हम जनरली उसको करना है इस्तेमाल। ठीक है, तो आपको ये इंग्रेडिएंट हो गया, अप्लाई करना है, 45 मिनट रखना है, उसके बाद हेड वॉश कर लीजिए, कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार वॉश करने के बाद आप लोग इफेक्ट बताना कि आपको कितना ज्यादा हुआ है, कैसा रिजल्ट मिला, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो यार मतलब ये मैंने आपको बताया, बहुत से लोग हैं यंगस्टर है जिनके हेयर लॉस होने लग गया है, एलोपेशिया, बाल्डनेस बीच में से आ रहे, थिनिंग हो रही है हेयर्स की, तो उसके लिए वेद आयुर्वेदा का हेयर ग्रो ऑयल है, यानी कि हमारा बहुत ही अमेजिंग वर्क है। मैं उसका भी रिव्यू आपको शेयर करूंगी, या आप इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हैं, मैं हमेशा लाइव टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ, मतलब हेयर को लेके नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर आप लोग परेशान हैं, चाहे वो वाइट हेयर को लेके हैं, मतलब अर्ली एज में होना, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, पिंपल एक्ने स्कार मार्क, फेस पे ग्लोनी है, डार्क सर्कल है, एक्ने हैं, झाइयां पड़ रही हैं, ओपन पोर्स हैं, स्कार मार्क हैं, जॉइंट पेन, गठिया बाय, शैटिका की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है, शैटिका की प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, थायराइड के पेशेंट है, आप थायराइड को परमानेंट क्योर कर सकते हो, शुगर के पेशेंट हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको जो नंबर आ रहा है आप इस पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे एग्जीक्यूटिव आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच यार वेट लूज की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आज भी एक पेशेंट ने किया है कि मैम मैंने एक महीने में 9 किलो वेट लूज किया है, तो जो वेद आयुर्वेदा की वेट लूज मेडिसिन है उसके साथ आप डाइट फॉलो करके बहुत अमेजिंग रिजल्ट दे सकते हैं आप। और यार आप दूर रहते हो आप ये मत सोचो, हमारी डोर स्टेप डिलीवरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यार इसी के साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इसी तरह से उपासना की दुनिया को इतना सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।